गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक अभ्यर्थी, आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं मैं सर्वेश, आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार शिक्षक बहाली को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में जो है वादी के तौर पे और फरियादी के तौर पे ही दोनों तौर पे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और बीपीएससी के चेयरमैन शामिल हैं। बिहार शिक्षक बहाली बीएड वर्सेस डीएलएड, बीएड वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। अब बीएड वालों को पीआरटी में लिया जाएगा या नहीं, इसका फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट से। मतलब साफ है कि अब सारा मुद्दा जो है वो कहाँ चला गया, वो चला गया आपका सुप्रीम कोर्ट के पाले में। अब मैंने इस मुद्दे पे आपको पूरी वीडियो बताई थी, पूरा वीडियो बनाया था कल भी डिटेल में, जहां मैंने आपको बताया था कि किस तरह से माननीय के पाठक जी ने केस रजिस्टर करवाया है, एसएलपी स्पेशल लीव पेटिशन, और किसके किसके खिलाफ करवाया। तो पुराना वीडियो जरूर देखिएगा, वहां आपको सारी जानकारी मिलेगी। आज हम बस यही जानते हैं कि बीएड वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सरकार। अब सरकार को बीएड या डीएलएड के पक्ष या विपक्ष में नहीं रहना चाहिए, सरकार को तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी देने के पक्ष में रहना चाहिए। ले वैकेंसी को लटकाया गया है। अब जॉब कब मिलेगी, अब रिजल्ट कब मिलेगा, रिजल्ट कब, इस पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जब तक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से क्लियर नहीं होगी, रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक से पांचवी के शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। ओके, एक यहाँ देखिए पटना, एक से पांचवी कक्षा के शिक्षकों के लिए होने वाले नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी स्पेशल लीव पेटिशन दायर की गई है। इसे सरकार दलील दी है कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर के दायर की गई। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में प्राइमरी टीचर कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड के योग्यता को समाप्त कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि उसके फैसले के बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के योग होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया जब बिहार में क्या होता, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच राज्य सरकार ने इस मामले में पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। 5 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ शास्त्री की बेंच ने बिहार सरकार की दलील खारिज कर दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में लागू होगा, और पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट एसएलपी दायर की। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा था, ओके, जो भी कहा था आपको पता है कि पारित आदेश में क्या कहा था। इस बार शिक्षक भर्ती में मौका देने का अनुरोध किया गया है किसको, बीएड अभ्यर्थियों को। तो ये डीएलएड वालों के साथ धोखा हो गया कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट डीएलएड को मौका दे रही है तो सरकार बीएड को मौका क्यों दे रही है, और इससे क्या होगा कि बिहार में डीएलएड वाले अभ्यर्थी क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, और बीएड वाले अभ्यर्थी जॉब पा जाएंगे। बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक के योग नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गई। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार में शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बाबत महाधिवक्ता पी के शाही ने बताया कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के योग नहीं मानने के 11 अगस्त को आया था। इसके पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 376,000 आवेदक बीएड डिग्री धारक है। मतलब साफ है कि सरकार ये 376,000 और मान लीजिए उधर 390,000 क्या थे आपका डीएलएड भी डिग्री धारी है। इस तरह से डीएलएड वाले पर्याप्त मात्रा में ही, लेकिन सरकार क्लियरिफिकेशन के लिए चली गई। लेकिन होने वाला क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, शायद जो हो। न्यायालय से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्री धारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करे। आगे की बहाली में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में मौका नियुक्ति योग नहीं माना जाएगा। मतलब साफ है कि इस बहाली में मौका देने की बात की गई है, मौका देने का मांगा गया है। अब देखिए हाई सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट में मामला चला गया। अब इस मामले का निपटारा कब होगा, कब एसएलपी पर क्या होगा सुनवाई होगा, और कब फैसला आएगा, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस वजह से आपका जो है
रिजल्ट अब क्या है, अब खटाई में है। रिजल्ट अब कब आएगा, कट अब क्या होगा, सारा कुछ गया, क्या कर रहे हैं खटाई में, पूरा मामला फंस गया पीआरटी वालों का। समझ जाइए कि अब क्या है, इस साल 2023 में रिजल्ट नहीं आ रहा है, नहीं, और 2024 में रिजल्ट कब आएगा, डोंट नो, कोई नहीं जानता, क्योंकि हो सकता है एसएलपी का फैसला सुप्रीम कोर्ट इसे एक हेयरिंग में ही निपटा दे। अगर एक हेयरिंग में एक बार में ही क्या करें, निपटा दे तो जल्दी हो जाएगी प्रक्रिया, लेकिन अब कम से कम तीन चार सुनवाई तो चलेगी इस पे, क्योंकि इसमें क्या है, वैसे अगर कोई अभ्यर्थी रहता तो ये सुनवाई एक बार में ही निपट जाती, लेकिन इसमें सीधा सीधा वादी जो है वो कौन है, आपका प्यारा बिहार सरकार है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ सरकार को किसी भी मुद्दे पे वादी नहीं बनना चाहिए। अगर बिहार सरकार पे कोई केस करता तो चलता, लेकिन बिहार ही जाके वादी बन गया, बिहार सरकार ही, इस वजह से ये मामला अब लंबा खींचेगा, क्योंकि सरकार अब लंबा खींचेगा, क्योंकि जब सरकार के द्वारा ESLP दायर किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करता है और इस पे सारे लीगल एस्पेक्ट को क्या करता है, जांच करता है, और जब सारे लीगल एस्पेक्ट को जांच किया जाएगा तो बहाली जो है बहाली लंबी चलेगी। लेकिन अच्छी बात है कि बीएड वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए तो खुशी का दिन है कि उनके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, उनका वैसे भी 100% चांस नहीं था, अब अगर उनको चांस मिलता है, बीएड वालों को चांस मिलता है यहाँ पे पीआरटी में, तो उनके लिए तो अच्छी बात है कि कुछ दिन बाद ही, मान लीजिए 6 महीना साल भर बाद ही अगर रिजल्ट आए और बीएड वाले को शामिल करके रिजल्ट आए तब तो ठीक है। लेकिन बातें यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए 5 से 6 महीने बाद अगर मामला क्लियर होता है और पक्ष में फैसला आता है डीएलएड वालों का, तो डीएलएड वालों का तो ऐसे ही क्या था, अभी नौकरी मिलने वाला था, तो नुकसान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका है, डीएलएड अभ्यर्थियों का है। बीएड अभ्यर्थियों का कोई नुकसान नहीं, इनका है क्या चीज, इनका है फायदा, इनका हो रहा है फायदा और इनका हो रहा है नुकसान। ओके, अब आप लोग जानिए क्या करना है, डीएलएड वाले बीएड वाले अब आप लोग भी लड़िएगा, क्योंकि बीएड वालों आपको मौका दिया जा रहा है तो डीएलएड वाले का मौका छीना जा रहा है, एक का मौका देना दूसरे का मौका छीनना ही कहलाता है। अब बीएड वालों को पीआरटी में लिया जाएगा, ऐसा कहा गया है कि लिया जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही हर सरकार मानेगी। तो ये जो न्यूज़ था ये आपके लिए था, स्पेशल न्यूज़ था, आप लोग इसको देख लिए। अब क्या कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मत कीजिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।